आप भी अपने पेटीएम वॉलेट से अपना पैसा अपने बैंक अकाउंट में भेजना चाहते हो, लेकिन आप उसको भेज नहीं पा रहे हो क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि कैसे उसको भेजना है, कैसे कौन कौन से स्टेप होते हैं, साथ साथ कैसे अपना बैंक अकाउंट ऐड करना है और क्या क्या चीज हमें करनी होगी जिससे कि हम अपना जो पैसा है जो कि हमारे पेटीएम वॉलेट में वो हम भेज पाए अपने बैंक अकाउंट में। तो आप बिल्कुल सही वीडियो देख रहे हैं। इस वीडियो में आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल जीरो से आपको बताने वाला हूं कि आप कैसे अपना पैसा अपने बैंक अकाउंट में भेज सकते हैं अपने पेटीएम वॉलेट से। तो उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को लिए सब्सक्राइब और वीडियो कर लिए लाइक। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपने अपना पेटीएम ऐप अपडेट नहीं किया तो आपको सबसे पहले उसे अपडेट कर लेना है आपको प्ले स्टोर पर जाकर। जैसे आप लोग उसको अपडेट कर लेते हो उसके बाद उसको ओपन करना है, ओपन करने के बाद आपने पेटीएम वॉलेट में आ जाना। जैसे आप अपने पेटीएम वॉलेट में आ जाते हो उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आता है सेंड टू बैंक, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको अपना बैंक अकाउंट ऐड करने का ऑप्शन आ जाता है। अब मैं पहले बता देता हूँ ये वाला जो ऑप्शन आएगा ये उन्हीं और कस्टमर्स को आएगा जिनने फुल केवाईसी कर रखी है अपने पेटीएम अकाउंट में। तो अगर आपने फुल केवाईसी नहीं कर रखी तो उनके लिए आगे मैं एक अलग तरीका बताने वाला हूँ, तो आप वीडियो देखते रहिए। तो सबसे पहले आपने बैंक अकाउंट ऐड कर देना है और बैंक अकाउंट ऐड करने के बाद यहाँ पे आपको बैंक अकाउंट में क्या करना है अपना अकाउंट नंबर आईएफएससी कोड और नेम वगैरह जो भी मांगता है वो डाल देना है। उसके बाद पैसे ट्रांसफर कर देना है तो पैसे ट्रांसफर हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद अगर आपकी फुल केवाईसी नहीं हो रही है फिर भी आप ट्रांसफर करना चाहते हैं तो आपको करना क्या है कि यहाँ से पेटीएम गोल्ड का ऑप्शन देखने को मिलता है तो आपको करने के पेटीएम गोल्ड पे जाना है और जाने के बाद जितने पैसे आपको ट्रांसफर करने मान लीजिए 30-50, तो जैसे कि मैं यहाँ पे 30 पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे 30 का जितना गोल्ड आपके सामने आएगा तो आपके सामने पता चल जाएगा, उसको आपको परचेज कर लेना है। परचेज करने के बाद जैसे आप परचेज कर लेते हो उसके बाद सेल करने का भी ऑप्शन होता है गोल्ड का, तो जितना आपने परचेज किया है उसको आपको सेल कर देना है। और उसके बाद वहां पर ऑप्शन आएगा एड बैंक अकाउंट का कि जिस बैंक अकाउंट में आपने गोल्ड को सेल करके पैसे लेना चाहते हो तो बैंक अकाउंट आप ऐड कर देना जिसमें भी आप डालना चाहते हो, उसके बाद आपके पैसे चल जाएंगे। लेकिन आप गोल्ड से यहाँ पे करोगे तो कुछ पैसे यहाँ पे ये पेटीएम अपना चार्जेस काटेगा गोल्ड सेल करने का और बाय करने का, तो कुछ पैसे आपको कटेंगे, बिल्कुल ही पूरे पैसे नहीं जा पाएंगे, वो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। तो ये कुछ तरीके हैं जिससे कि आप अपने पेटीएम वॉल्ट से अपने पैसे डायरेक्टली अपने बैंक अकाउंट में भेज सकते हो। अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत आती है ये तरीके वर्क नहीं करते हैं तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसके ऊपर अलग से रिसर्च करूंगा, अलग से वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी और आपको वीडियो से लाइक चैनल को देना सब्सक्राइब। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो।